यार हम आए थे ज़रा गड़ाप पे और यहाँ आज उर्स है, तो सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग के बनाएं और आप लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ उर्स में होता क्या क्या है। ठीक है, मिलते हैं। दम हम दम आली जानी यहाँ में मिले हैं सारे बंदे भाई, यहाँ बैठे में आके वाले नारेश सर्वर्षिया कौन अभी जाना है तुम यहाँ? हम लोग आए हैं थोड़ी देर हो गई तकरीबन दो दिन। और उसका सीन क्या है बताए मुझे कुछ। उसका कुछ ऐसा सीन है कि अभी फिलहाल आज दूसरा दिन है, दूसरी चादर आ जाइए है और हमारे यहाँ पर ऐसा है कि बाघ से चादर पैदल आती है। हम तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं यहाँ चादर के लिए। बाकी जो लोग हैं जो आते हैं उन्हें अपनी गाड़ियों वगैरह में आते हैं, लेकिन हम लोग पैदल आते हैं। खासतौर पर बस एक हमारी रसम, हमारी मोहब्बत है। अभी हम लोग आए गडाप में तो सोचा कि थोड़ा अंदर का आपको मज़ार का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। मज़ार के व्यू के लिए हम मज़ार पर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलें देखते हैं। अभी हम लोग सलामी देकर आ गए मज़ार पे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट रहा और अभी हम लोग लंगर की तरफ रवाना होते हैं। तो लंगर का सीन देखिए क्या सीन है वहाँ, अरे पूरा मेला लगा हुआ है, आपको मेला दिखाएंगे। इसके बाद बाहर जाकर बाहर का मेला गया, अंदर कवाल ही चल रही है, वो भी दिखाना भाई आपको। वो लंगर पर लेके चलते हैं, चल रहा है प्राइवेट ही है और यहाँ लंगर स्टार्ट हो गया, लंगर खा रहे हैं तो लंगर के सिनेमैटिक शॉट नहीं मिलेंगे भाई, क्यों मुझे अच्छा ही लग रहा। तो ये सीन है, लंगर स्टार्ट हुआ है यहाँ, अभी हम लोग खाना लेने के लिए सब खड़े हुए सारे लाइन में सारे कराची वाले। कितने लोग खाना खाते हैं माशाल्लाह भाई, आज कम से कम 2 से 3 हजार लोग देखे मैंने अपने यहाँ, खा के जा चुके दोबारा खाने आए, दोबारा खाने आने पूरा रश जमा और पेट ही नहीं भर रहा हूँ। हम लोग को नहीं मिला भाई, थाली के लिए सारे लोग खड़े हैं, ब्लूटूथ बंद है। ये रश है पूरा खाने पे और भाई खड़े मत रहो, भाई खड़े मत रहो, मिल गया, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया आपको, मिल गया। लाओ की जो बात है ना वो कहीं आपको मिलेगा, उसकी बिरयानी की बात कुछ नहीं है। रश पे आने जैसा बंदा भी जो लग गया रश में, रश में देखिए मुझे तो लग रहा है टोपा टोपा का डोबा मेरा, हमने सब कुछ किया, ये क्या है ये ला रहा है, आज ला अपने लिए कुछ फाइट करनी पड़ी है। परम भाई कहाँ से आए हो ये पुलाव खाने के लिए? 200 का पेट्रोल डला गया, 6000 का पुलाव खा के जा रहा है। मेरी फैमिली आ रही है, मिलेगा ना भाई अन्ना यार, हमारे खानदान के 2 फर्द और आ गए, ये एक अब्बास और एक है आगे मले, हम सब लगे हुए लाइन में, मिलेगा सबको मिलेगा, मेरे पास तुम हो। बैठो 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 सारे लोग वेट कर रहे हैं खाने का, दूसरी तीसरी शिफ्ट हो गई आई थिंक ये, और सारे वेट कर रहे हैं, आप देखते कब तक कवाली चल रही है। 3 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी और हम लोग को ये कवाली समझ नहीं आ रही क्योंकि सुन रही है और हम लोग उर्दू बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट हम आपको शॉर्ट दिखाते थे, आप शॉर्ट चेक कर रहे कवाल है मैं, लोग कितने हैं चेक कर। हाँ तुम्हें कवाली समझ ना आ गई? ये है दरअसल ये बेडशाह वाले हैं, ये बेडशाह से आते हैं, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी जाती है सीख की और ये फिर आपको आगे सुनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ जगहों पे इसकी थेरेपी यूज़ करी जाती है, लोगों को सुकून मिलता है ये सुनने से। आए आप भी सुने इस चीज़ में क्या सुकून मिलता है। माशाल्लाह मज़ा आया, थोड़ा नींद आ गई, लोग बोल रहे हैं दिल को सुकून मिलता है, मुझे तो नींद आ रही है। माजरत हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई, मौला ही कलाम है भाई, माजरत भर हम लोग तो हमें सिंधी आती नहीं है तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि हम क्या
सुन रहे हैं और क्या हो रहा है, ये वाला सीन है। तो माजर टूर अब कहाँ जाना है? ये बुक स्टॉल लगता है हर साल, ये सिंध के लोग आते हैं नवाबशाह से, वो यहाँ पर आके बुक स्टॉल लगाते हैं। इसमें बहुत खालिस वोकैबुलरी होती है जो उर्दू ज़बान में और सिंधी ज़बान में इधर बुक्स रखी हुई होती हैं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने शायद इस गड़ाप की जो पहला व्लॉग मैंने बनाया था उसमें आपने देखा होगा बाढ़, ये पूरा बाज़ार लगता है। तो ये बाज़ार है पीछे मेरे, ये रहा तो ये गेम है, और उस साइड बच्चों के झूलों वाला सीन है। तो हम बच्चे नहीं हैं और झूले हमारे नहीं हैं। तो जा रहे हैं हम लोग कोने पे जा रहे हैं, वहाँ मिठाई वाले की शॉप है, वो हम लोग बचपन से मिठाई खाते हैं। तो अगर शायद अगर वो हुआ अभी तो दानिश हमें मिठाई खिलाएगा, अगर वो मिठाई वाला पुराना खुला हुआ ना। अगर वहाँ वाली मिठाई अगर आपने खा ली ना एक बार, आप कराची की भूल जाओगे। हाँ मैं आपको तो मक्खी होती है उसके अंदर। यार हम लोग मिठाई वाले की शॉप पे आए थे, मिठाई वाले की शॉप तो बंद है क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे लिए वो रुकेगा नहीं। आज पहला दिन है ना तो उसको आइडिया नहीं था मेला लगने वाला है। खैर हो गया, हम चाय पीने जा रहे हैं तो चाय के साथ चलते हैं। अभी चाय ख़त्म है क्योंकि लोगों को पता नहीं ना मेला लगा तो लोग कितने ज़्यादा आ गए कुछ पता ही नहीं है। तो हम सामने चाय पीने जा रहे हैं, आखिरी उम्मीद है हमारी, देखते हैं। दुकान वाला हमारी आखिरी उम्मीद है, अल्लाह करे इसके बाद चाय मिल जाए वरना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। यार चाय आ गई, चाय मन में, चलो आ जाओ। तुम नहीं पियोगे? अब्बास चाय पीता है। चाय तो बनती है दोस्त। तो भाई चाय का ब्रेक है, चाय पी रहे भी हम लोग, ठीक है। चाय पी कर आपको पूरा मेले का थोड़ा हाईलाइट सिखा दिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाफ इस 3 दिन है, हो सकता है कल और परसों मैं वापस आऊँ। मिलते हैं।